Sharma. Good evening, hi. Everyone was just in a frenzy when you came in, na. सब लोगों ने सब कुछ काम छोड़ दिया कि पहले तुम आके like business में. Thank you so much. I will take that as a compliment. Yeah, it's a. And coming from you means a lot. Thanks. Well, it's a very, very special evening. We're honoring some very, very special women, and I think Femina has always been associated, with celebrating womanhood, celebrating achievers. And today is a very special award where we are felicitating women from all walks of life. And I've always, been part of the Femina family in some small way. So I'm here to support them. मुझे हाँ मैं जरा देख के आती हूँ अंदर क्या हो रहा है. हेलो नमस्ते सर. अली क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई एंजॉय के लिए. आई वांट टू एंजॉय बीइंग हियर. सो या दैट्स इट. वेल आई एम विशिंग इंडिया ऑल द बेस्ट ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि हम जीतेंगे. सॉरी, जी वेल आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट आई मीन एंजॉय इट एंड बी हैप्पी फॉर इट. सो सॉरी एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं क्या जवाब दे दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उनका एकदम प्राइवेट स्पेस है, और मैं किसी दूसरे का ज़िंदगी में कमेंट नहीं देना चाहती हूँ. आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो या अली आपकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी होती है. अच्छा, कितनी प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं तो हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ, और हाँ तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. एक्चुअली सिर्फ मेरे दो गाने बाकी है, और अभी डबिंग भी चल रहा है, और हाँ मैं अपने आप को डबिंग करूँगी. सो या थैंक यू. Lots of women, lots of fashion, lots of glamour, and basically just respect. Like, tell us something about Femina, Lord of Femina Women Award. Well, they're honoring women,
And I think it's the year and the generation of women out there. I think women in India now are standing up for themselves, and I think it's great. So let's continue to honor more women. I think बहुत अच्छा है कि मीडिया इस पे लाइट ला रही है, एंड आई थिंक द मोर अवेयरनेस वी स्प्रेड एंड द मोर एजुकेशन वी पुट आउट देयर द लेस दीज थिंग्स विल हैपन, एंड व्हेन दे डू हैपन आई होप दैट पीपल विल रेज देयर वॉइसेस, गो आउट देयर, स्पीक अबाउट इट एंड होपफुली डू समथिंग अबाउट इट. It's about time, and a very big congratulations to Shashi Kapoor ji. Oh God, cricket ke baare mein. Koi mere ko tip do kya ho raha hai, to fir main bolungi, warna mujhe. मैं सिर्फ एक विश करना चाहूँगी, हु इज इन द सेमी फाइनल्स एंड हु इज गोइंग टू द फाइनल्स, इज इंडिया गोइंग? ओ देन आई होप इंडिया किक्स देयर एस एंड दे विन, सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड आई होप यू विन. नाइदर ऑफ देम, आई थिंक दे शुड लिव इट अप एंड एंजॉय देयर लाइव्स, दे आर वे टू यंग. सेम हियर. अरे कैसे आप? सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, शशि कपूर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा, आपके कुछ शब्द? तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी है कि शशि कपूर जी को, अगर आपको ये खबर आई है तो बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं उनको. वो एक हमारे मार्गदर्शक रहे हमारी इंडस्ट्री के, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को है उनके काम से. उनका बॉडी ऑफ वर्क सिर्फ एक्टर की हैसियत से नहीं, प्रोड्यूसर की हैसियत से जिस तरह की फिल्में उन्होंने प्रमोट की इस देश में, मुझे लगता है कि हमारे जो आर्टिस्टिक वर्ल्ड है उनको बहुत बहुत फ़ख्र है उनके ऊपर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. जी अभी भारतीय टीम को लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनके साथ ऊपर वाला है, खुदा है, और हमारे देश के करोड़ों लोगों के जो दिलों की धड़कनें उनसे जुड़ी हुई हैं, तो लगता है वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Oh, good evening. Tell us about, like, what are you looking forward in the evening today? Kya matlab aashaye hain aaj ki shaam se aapki? ये जो इवेंट है ये हमेशा बहुत किस्म किस्म के फील्ड से लोगों को इकट्ठा करके लेके आते हैं, और स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, म्यूज़िक, फैशन, हर एक किस्म का डिसिप्लिन ये कवर करते हैं. तो इस समय में एवरी ईयर मेरे को नज़र आता है कि कितने लोग हैं जो हम जानते नहीं, जिनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इवनिंग. मेरे लिए फैशन तो काफ़ी हमेशा रहा है इम्पोर्टेंट, पर इससे जो विमेन हैं, आप जिस चीज को देखेंगे, आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो बहुत किस्म किस्म की सोशल मीडिया, सोशल सर्विसेज की फील्ड से भी हैं, लिटरेचर से हैं, पोइट्री से जुड़ी हुई हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द वुमेन इन दिस कंट्री. दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जी. सभी के लिए बड़ी खुशी की बात, आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे उनके लिए?
मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री भी एक बहुत ही कल्चरल एंटिटी है हमारे कंट्री में, और उसका इफेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उनको ये अवार्ड मिल रहा है तो उससे उसके बारे में भी बहुत खुशी है, स्पेशली समडी ऑफ हिज विंटेज. और उन्होंने जिस तरह का काम किया, हाउस होल्डर टाइप की फिल्म जो बनाई हैं, वो बहुत रेलेवेंस रखती हैं हमारे सिनेमा में. मैं ऋतु कुमार हूँ, आपको ज़रूर जीत के आना है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. थैंक यू. Hello, thank you. No, I've been here. I've been in Delhi shooting for Fitur. You'll have to excuse me today because I'm extremely unwell. I have a very high fever. But didn't want to miss this event because I think it's such a special event. And very few times and very few events are there that are really celebrating women who tirelessly work for others and really don't get much in return. And I think that that's something I didn't want to miss. Not tired, just sick. Mr. Shashi Kapoor has been bestowed with Dada Saab Phalke Award, the highest honor. Yes. Any words like a huge congratulations. I think it's super well deserved, and I'm sure he must be very proud, and his whole family must be very proud of him. We also want to congratulate you for being like immortalized in Madame Tussauds. Oh, thank you very much. Thank you. So just like word from your side on what? Well, it's it was really exciting when I first heard the news. It's something which is very special, as two of my sisters live in London, so they were very excited about it as well. And I think anyone always wants to be acknowledged for their work in whatever way, and be be rewarded. Something like this is something which will be there forever. And growing up in London also for a few years, it's something I'm very familiar with. So it brings back a lot of nice memories, and we'll be launching it on the 27th of this month in London at the at the main Madame Tussauds. So it's going to be exciting, and I'm really looking forward to it. We just read a report that on the 10th of the movie you met minor accident. Yes. Well, hair and makeup were touching up as you do before the shot, and I guess someone forgot to shut the door, so I just kind of. I think that they're unfortunately burdened with now the cost of a car. If given an option, who would you want to see getting married in 2015? Shahid, Ranveer, or Ranveer? Whoever wants to. Whoever wants to get married, and whoever finds that special person and makes that amazing choice, I think. I'm not on Twitter. Will you just tell me what it is quickly? So basically, the hashtag Katrina Missing is trending since morning on Twitter. It is? Everyone's talking about it. Katrina's gone missing. Yeah. I'm right here. He thinks I'm missing. Everyone thinks I'm missing. I'm not on Twitter yet, so I'm not seeing it. No, I just went for the India Today conclave last week, right? Yeah. That was in Delhi, not in Mumbai, but yeah. Wants your wishes for the Indian cricket team. It's in semi-final.
finals. Yes, a big congratulations to the team for making it even till here is an amazing feat. And I think our prayers and our wishes are with all of them. And I hope that they, you know, bring back the cup and don't give it back. Katrina, one more question. How did you like the trailer of Morning Welcome? Amazing. I really thought it was amazing. It's so, it's always so inspiring to see people doing just slightly different work and work that looks really heartfelt, unique, and credible. And Anurag Kashyap is such an exciting director and someone I'd love to work with. And I think he's done a great job and I wish them all the best and all the success. Yeah, very well done. Very, very well done. Thank you so much, Katrina. Take care of yourself and take rest. I will, hopefully. I've taken. Not happening. Okay, one more. Thank you so much. Hi, namaste, how are you? Thank you. And I hope har saal aati rahun. मैं जूरी मेंबर हूँ और मैंने ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि मैं इसमें जूरी की एक सदस्य हूँ. और आई थिंक हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोगों को अगर ऐसे हम अवॉर्ड करें और उनको उनका प्रोत्साहन करें तो वो बहुत अच्छी बात है. उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि उसका हिस्सा रहूँ. जी, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम एब्सोल्युटली अबाउट दैट. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, आई कांट टेल यू. वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल मैन, वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल एवरीथिंग ही इज. हाँ, नहीं आ पाए वो आज उनका. ये तो हम आए हैं यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करने, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट फेमिना. जी जी जी, बिल्कुल. बट द थिंग दैट आई हैव टू से इज दैट आई हैव कम हियर फॉर अनदर ओकेजन. आई मीन वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग लेटर. दिस इज अ फेमिना ओकेजन. आई एम अ ज्यूरी मेंबर हियर. आई'd लाइक टू टॉक मोर अबाउट द फेमिना पीपल. जी जी, मैंने एक्चुअली मैंने ये ट्राई किया था. उन्होंने जो मुझे एक नॉमिनेशन का किट भेजा था उसके साथ मैंने काम किया, और मैंने उनके बारे में जो जो लोगों के बारे में मुझे लगा उनको मैंने उनका रिसर्च थोड़ा बहुत ज़्यादा किया. और जो लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम जिनको हम ये प्रमोट कर सकते हैं, उस तरह से मैंने सोचा. बिकॉज सब ने बहुत अच्छा काम किया है. बहुत मुश्किल है किसी एक को ऐसे चुनना. तो थोड़ी बहुत क्राइटेरियाज हमें मुझे रखनी ही पड़ी कि भाई जिनको पहले कहीं नहीं दिया गया वो प्रोत्साहन, या कहीं नहीं अवार्ड मिला, या पहली बार उनको मिल सकता है, वैसे मैंने सोचा. पर हम एक बात इसमें इस यहाँ पे उस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट सच ए लवली इवेंट. मैं उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहूँगी. मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आई हूँ. हाँ,
हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम को मैं अकेली बधाई, क्योंकि सारे ही हम उन्हीं के साथ हैं और हम सब उनको बधाई। आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे, इसके बारे में क्यों कुछ नहीं पूछ रहे हैं? हाँ, क्यों टीम के साथ क्यों दूंगी मैं किसी को बधाई? टीम को बधाई दूंगी, आई होप वो आए आगे, आई होप वो हमारे लिए वर्ल्ड कप ले आए फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।